आज मैं आपके साथ प्योर ओडिशा स्टाइल चिंगुड़ी झोलो या प्रॉन करी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये सुपर टेस्टी मसालेदार प्रॉन की रेसिपी बनाना बहुत ही सिंपल है। सो लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर मोर सच रेसिपीज। यहाँ पे मैं 500 ग्राम प्रॉन पीस को ली हूँ क्लीन करके। इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे, एक बड़ा चम्मच हल्दी, एक बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको ऐसे ही 10 मिनट तक रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। यहाँ पे मैं 3 बड़ा प्याज ली हूँ। इसको मैं इसे चॉपर में चॉप करूँगी अच्छे से छोटा छोटा। ये देखिए ऐसे। यहाँ पे कढ़ाई में मैं दो बड़ा चम्मच सरसों का तेल गरम कर रही हूँ। इसमें 2 बड़ा आलू कटा हुआ मैं डालूँगी फ्राई करने के लिए। ये देखिए ऐसे थोड़ा सा मोटा मोटा मैं काटी हूँ इसको। थोड़ा सा हल्दी इसमें मैं डाल रही हूँ अच्छा कलर आने के लिए। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अभी कवर करके थोड़ा देर तक कुक करेंगे जब तक ये थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। बीच बीच में इसको थोड़ा मिक्स करना है ऐसे। आलू जो है इधर अच्छे से फ्राई हो गया है। ये देखिए इसको मैं अभी निकाल दे रही हूँ एक प्लेट में। फिर से यहाँ पे 2 बड़ा चम्मच तेल गरम कर रही हूँ। इधर एक तेज पत्ता, दालचीनी, 2 इलायची, 1 बड़ा चम्मच जीरा। जीरा थोड़ा क्रैकल होने के बाद इसमें प्याज डालेंगे। प्याज को ब्राउन होने तक फ्राई करना है अच्छे से। प्याज जब तक फ्राई हो रहा है मैं इधर और एक पैन पे तेल गरम कर रही हूँ। इसमें जो मैरिनेट किया हुआ प्रॉन फिश जो है फ्राई करूँगी। प्रॉन फिश को लो फ्लेम में कुक करना है दोनों साइड से। ये देखिए प्रॉन फिश जो है अच्छे से फ्राई हो गया है। प्याज इधर अच्छे से ब्राउन कलर आ गया है इसका। इसमें 2 बड़ा चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट में डाल रही हूँ। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी देके इसको मिक्स करेंगे। आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा धनिया पाउडर। यहाँ पे मेरे पास ये फिश मसाला है। इसमें से मैं 1 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ। आप चाहे तो इसमें चिकन मसाला भी ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी देके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे।
इसको कवर करके लो फ्लेम में इसको कुक करेंगे। मसाला इधर अच्छे से कुक हो गया है, ये देखिए। अभी एक बड़ा टमाटर का मैं पेस्ट बनाई थी, इसको मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा पानी इसमें डाल रही हूँ। इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसे। थोड़ा सा नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको अभी कवर करके 5 मिनट तक कुक करना है लो फ्लेम में। पांच मिनट के बाद ये देखिए मसाला अच्छे से कुक हो गया है, तेल ऊपर आ गया है पूरा। अभी इसमें फ्राई किया हुआ आलू डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको कवर करके 2 मिनट तक ऐसे कुक करना है। यहाँ पे देखिए मसाला जो है अच्छे से आलू के साथ मिल चुका है। अभी इसमें फ्राई किया हुआ प्रॉन फिश जो है डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें अभी मैं पानी डाल रही हूँ बाउल में, 2 बड़ा बाउल। नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी में यहाँ पे ज़्यादा डाली हूँ क्योंकि मुझे इसका करी बनाना है अच्छे से पतला वाला। इसको अभी कवर करके हाई फ्लेम में कुक करेंगे। ये देखिए बॉइलिंग स्टार्ट हो गया है। अभी गैस का फ्लेम लो करके इसको कुक करेंगे 15 मिनट तक। पंद्रह मिनट के बाद ये देखिए करी जो है रेडी हो गया पूरा। आलू जो है अच्छे से कुक हो गया है। अभी गैस का फ्लेम जो है ऑफ कर देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ धनिया यहाँ पे डाल रही हूँ मैं। अभी इसको कवर करके 10 मिनट तक ऐसे रख देंगे।